बीकॉम सेकेंड ईयर, पेपर टाइटल वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज का टॉपिक फंड फ्लो स्टेटमेंट। आज का जो सवाल है वो है, आज का जो प्रश्न है वो है, भारत मशीनी लिमिटेड का 31 मार्च 2016 तथा 2015 का चिट्ठा निम्न प्रकार है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल दिया हुआ है 7 लाख 2016 के लिए और 2015 के लिए 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 2,30,000 16 के लिए, 2015 के लिए 1,50,000। फिर करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज दिए गई है, शॉर्ट टर्म बोरोज बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 2016 के लिए और 15 के लिए 40,000। ट्रेड पेबल है 1,90,000 16 के लिए, 1,53,000 15 के लिए। अदर करेंट लाइबिलिटीज है, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेज 5,000 2016 के लिए और 7,000 2015 के लिए। फिर एसेट दी गई है, नॉन करेंट एसेट, फिक्स एसेट दी गई है, टेंजिबल एसेट है 9,20,000 2016 के लिए, 5,80,000 2015 के लिए। करेंट एसेट है इन्वेंट्री 75,000 और 2016 के लिए 75,000 और 1,02,015 के लिए। ट्रेड रेशियोबल है 1,60,000 2016 के लिए, 1,50,000 2015 के लिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 20,000 2016 के लिए, 20,000 2015 के लिए। अब नोट में दिया गया रिजर्व एंड सरप्लस में जो मदें दी गई है उसकी डिटेल दी गई है, जनरल रिजर्व में 77,000 जनरल रिजर्व के 2016 के लिए और 2015 के लिए 50,000। ऐसे बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट है 1,60,000 2016 के लिए, 2015 के लिए 1,50,000। ऐसे टेंजिबल एसेट में प्लांट एंड मशीनरी एक्विवेलेंट डेप्रिसिएशन 1,70,000 और 1,27,000 माइनस करके दिखाया है, एक तृतीय ह्रास। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 2016 के लिए, 80,000 2015 के लिए। अब अतिरिक्त सूचना में दी गई है, वर्ष में संयंत्र या मशीनरी पर लाभ हानि खाते में ह्रास 50,000 रुपये चार्ज किया गया है, वर्ष में मशीन का एक भाग 8,000 में बेचा गया, इसकी लागत 12,000 रुपये थी तथा इस पर ह्रास 7,000 लगाया जा चुका है। कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों की तालिका तथा 2015-16 वर्ष के लिए कोष के स्रोत तथा उपयोगों को दर्शाने हेतु एक विवरण तैयार कीजिए। तो इसमें पहले शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे, इसमें इन्वेंट्री 1,02,015 और 2016 दिखा देंगे, इसमें फिर क्रम से दिखाएंगे सवाल में तो प्रश्न में तो 2000 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 2016 पहले और 15 बाद में दिखाया, यहाँ हम पहले 2015 का दिखाएंगे और बाद में 2016 का दिखाएंगे। तो इसमें इन्वेंट्री है 1,02,015 और 75,000। अब इसमें 25,000 की डिक्रीज हो गई, 25,000 की डिक्रीज दिखा दी। इसी प्रकार ट्रेड रिसीवेबल 1,50,000 1,60,000 10,000 की इंक्रीज हो गई, क्योंकि 2016 में 10,000 बढ़ गए हैं। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 20,000 20,000, तो न इंक्रीज है न डिक्रीज है। इसी प्रकार करेंट लाइबिलिटीज में मध्य दिखा दिए, और इस प्रकार अपने ट्रेड पेबल्स है 40,000 और 50,000, तो इसमें डिक्रीज होगा क्योंकि करेंट लाइबिलिटीज जब बढ़ दी है तो वो डिक्रीज में दिखाते हैं और घटती है तो इंक्रीज में दिखाते हैं। वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज होता है और बढ़ती है तो डिक्रीज होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट में 1,53,000 1,90,000 और 37,000 का डिक्रीज हो गया। ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,000 और 5,000, तो 2,000 का इंक्रीज हो गया क्योंकि घट गई है। इस प्रकार अपनी
इस प्रकार डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ गई अपनी 60,000 की, 60,000 की आ गई। अब स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2016। अब इसमें वर्किंग नोट दिखाया, अलग अलग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। डेप्रिसिएशन 50,000, बाय बैलेंस BD लिख देंगे पहले 1,00,000, और जो प्लांट मशीनरी पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ उसको दिखाएंगे, और फिर इधर जनरल रिजर्व के 20,000 दिखा देंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये यहाँ पर 20,000 ट्रांसफर किया 2015 से 2016 में जनरल रिजर्व के, वो दिखाएंगे। और बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे 1,60,000, और फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन फिर बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा 1,27,000, और ये हम फंड्स फ्रॉम स्टेटमेंट में दिखा देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बना के हम ये देखेंगे, हम ये परचेज कितनी है या सेल्स कितनी है। तो इसमें ये 40,000 की सेल्स परचेज आ गई, टू बैंक आई है, तो इसका मतलब हमने परचेज की है, खरीदी है। इसी प्रकार प्लांट एंड मशीनरी का खाता बना के हम देखेंगे हमने सेल्स किए या परचेज किए। तो इसमें बाय बैलेंस BD दिखाया गया है रिटर्न डाउन वैल्यू के अनुसार 5,00,000, और बाय बैंक अकाउंट सेल्स किए 8,000 की अतिरिक्त सूचना में दी गई है वो दिखाएंगे 8,000, और डेप्रिसिएशन 50,000 दिखाएंगे। और प्रॉफिट ऑन सेल दिखा दी 3,000, ये 3,000 इस प्रकार आए हैं, इसमें ये 3,000 ये मशीन अपने 8,000 में बेची, और इसकी लागत है अपने 7-12,000, और इसका इस पर राशि 7,000, तो 12,000 में 7,000 गए 5,000। अब 5,000 की मशीन को 8,000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, वो हम यहाँ नीचे दिखाएंगे, इसमें हम दिखा देंगे प्लांट एंड मशीन यहाँ दिखा देंगे। और फिर बैलेंसिंग फिगर से 3,55,000 परचेज आ जाएगी, तो बैंक कर देंगे, और बाय बैलेंस सीधी लिखेंगे 8,00,000। अब एक बार फिर हम यहाँ आ जाते हैं। अब इसमें फंड फ्लो में सोर्स ऑफ फंड्स में सेल्स ऑफ मशीन को दिखाया 8,00,000 की, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है तो सोर्स ऑफ फंड होता है 60,000 का, और ये 1,27,000 का आपको बता ही दिया। 40,000 और 3,55,000 हमने खाता बना के निकाल लिया। ये यहाँ पर हमें यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर दिया गया है, इसको देख लो कैसे आया, ये इश्यू ऑफ शेयर है ना, इसको देखो, यहाँ शेयर कैपिटल दिया गया ना, यहाँ शेयर कैपिटल दिया गया है, तो इसका खाता देखते हैं। 7,00,000 2016 में और 2015 में 5,00,000 है, तो हमने ये बड्डी है इसका मतलब हमने इश्यू किया है शेयर को, तो 2,00,000 का यहाँ ये दिखा दिया, 2,00,000 का हमें 2,00,000 का ये इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल दिखा दिया यहाँ। इसी प्रकार आप अगले सवाल करो, इस तरह के सवाल हल कर लो, यह मशीन से संबंधित सवाल थे।